हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का वाणिया की दुनिया में स्वागत है। फ्रेंड्स, बेटी होना क्या गुनाह है? मैं भी बेटी हूँ, मेरी भी एक बेटी है, पर मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखना, सहना, झेलना पड़ा है। मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, सिर्फ 5 इयर्स की है, लेकिन कभी भी वो अपने घर नहीं गई। घर का मतलब कि अपने दादा दादी के घर कभी नहीं गई। जब मेरी बेटी 3 महीने की थी, तब मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई की है। उस टाइम हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मैं अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से हट गई थी और किराए के रूम में रहने लगी थी लेकर के। बहुत जो किराए का रूम भी था वो भी रहने लायक नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। फिर भी मैंने अपने बेटी को लेकर के कैसे तैसे गुजारा किया। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे हमारे घर की हालत कैसी है, दीवारें कैसी हैं। क्योंकि जब मेरी बेटी हुई ना, हमारी शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी हुई थी, और उसके बाद मुझे पता चला अपने हस्बैंड के कुछ अनकहे राज के बारे में, जो उन्होंने उन लोगों ने एक प्लानिंग के साथ हमारे साथ किया था। उन लोगों का पहले से ही एक प्लानिंग था कि शादी करके आएगी और एक बच्चा हो जाएगा, फिर इसके साथ हम लोग जो करेंगे वो बर्दाश्त करके वो बच्चे को लेकर के हमारे साथ रहेगी। और बच्चे को कभी होता नहीं पिता का प्यार मिलना, उस तरह से कभी नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि 3 महीने का बच्चा कितना छोटा रहता है। और उसको लेकर के मैं हट गई थी। हस्बैंड कभी कभी आते थे बच्चे से मिलने के लिए, उस पर भी लड़ाई झगड़े काफ़ी होते थे, क्योंकि जो वो लोग कर रहे थे या जो वो लोग चाहते थे वो मैं करना नहीं चाहती थी। इसलिए हमारा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। मेरी बेटी कभी भी अपने दादा दादी के घर नहीं गई, हालांकि उसकी दादी भी है, दादा नहीं है, बट कभी किसी ने फ़ोन करके हालचाल तक उसे पूछना जायज नहीं समझा। कैसी है गुना? एक बेटी है वो, गुना कि मैं किसी की बेटी थी। और प्लानिंग इतनी बड़ी इसलिए की गई क्योंकि बच्चा लेकर के आप अपने मायके नहीं जा सकते रहने। और हम लड़कियों के पास कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं होती। यदि हम अपने पैरों पे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब तो ठीक है, और नहीं तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत कुछ झेला। आप जो ये घर देख रहे हैं ना, ये मेरा है। मैंने अपने पैसे से खरीदा ये घर। अभी मैं अपने बच्चे को लेकर के वहां पे हूँ। कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम अकेले रह रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है। कई बार तो ऐसा हुआ मैं भी मार हो जाती हूँ, मेरे पास कोई नहीं होता मेरी सहायता करने के लिए। कई घंटों तक मेरी बेटी भूखी रहती थी, बहुत छोटी थी, फिर भी अब भी वही हाल है। वो भी मार होती है तो मुझे टेंशन होता है, क्योंकि हमारे पास कोई होता नहीं है। यदि रात में उसकी तबीयत खराब हो जाए तो हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला, उसको लेकर के हॉस्पिटल कोई जाए। किसी ने मेरा साथ कभी नहीं दिया। हस्बैंड
बीमारी में भी फोन करके नहीं पूछते तुम लोग कैसे हो। मरीज हैं, आप सभी को पता होगा ऐसा तभी होता है जब किसी का कहीं और अफेयर चल रहा हो। और यहाँ पे तो इनका जो भी कुछ है वो इनके घर में ही है और इनके परिवार वालों की मर्जी के साथ है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब सब कुछ घर में ही था और आप बोलते हो कि वो औरत मेरी पत्नी है, मेरे हस्बैंड उस औरत को बोलते हो मेरी पत्नी है, तो फिर जब आप हमारे यहाँ शादी करने आए थे तो क्या सोच के आए थे, क्या प्लानिंग करके आए थे? क्योंकि आप उसको पत्नी नहीं बना सकते थे इसलिए, क्योंकि समाज आप पे उंगली उठाता इसलिए, आप समाज की नज़रों में अच्छे बनने के लिए सिर्फ हमारी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की। मैं कब तक चुप रहूं? बहुत मैंने सहा है, आज भी आप देख सकते हैं इन दीवारों पे पूरी खराब है। आप ये घर को देखिए, ये सीटे का घर है मेरा, जब बारिश होती है ना तब भी प्रॉब्लम होती है, जब ठंडी पड़ती है तब भी प्रॉब्लम होती है, बट किसी ने कभी पूछा नहीं कि तुम कैसे रहती हो। ऐसे घर में ना तो इसके दरवाजे तक मजबूत है, बाहर यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, जैसे मैं मेरी बेटी यहाँ पर रहते हैं, और हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है अकेले, फिर भी हमारा साथ कोई नहीं दिखता, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कभी नहीं पूछा कि हम लोगों को क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। कई बार बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब हुई, मैं अकेले लेकर के 8 बजे 9 बजे रात को हॉस्पिटल जाती हूँ अकेले, मुझे डर तो लगता है क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, बट किसी ने कोई साथ नहीं दिया, ऊपर से मुझे परेशान करने के लिए बहुत सारी साजिशें ये लोग करते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी के घर में बहन बेटियां हैं, कोई भी बेटी है या कोई भी औरत है, तो आपके घर में थी औरतें हैं बेटियां हैं, तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत करिए, किसी की जिंदगी अपने अहंकार के लिए ना दांव पे ना लगाइए। आप समाज में अच्छे बनने के लिए मेरी मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, हमने क्या किसी का बिगाड़ा था? उस नन्ही से बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसको पैदा होते ही सब कुछ छीन लिया गया? उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, फिर उससे क्यों सब कुछ छीना गया? इससे ज्यादा और कुछ नहीं बात कर पाऊंगी, बस मुझे यही बताना था कि बेटी होना आज के जमाने में भी एक अभिशाप ही है लोगों के लिए, आज भी एक होता ना बोझ की तरह बेटियों को लेते, लोग नहीं समझते कि हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है तकलीफ होती है। मैं कुछ इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।